चाहिए रोटी रखने वाला मैं बता रही हूँ आज आपको। ये आप बनाओगे रोटी के नीचे रखोगे तो रोटी आपकी फ्रेश रहेगी। ये 3 पीस काटे हैं मैंने थोड़ा मोटा रखने के लिए। ये कोई भी रोटी की साइज़ का प्लेट एक लेके ऐसा आप रख के काट सकते हो। आप कोई ढक्कन ले सकते हो, जो भी आपके साइज़ है रोटी की उसके अनुसार आप काट सकते हो। तो मैंने ये अपनी रोटी की साइज़ का काटा है और ये 3 पीस लिया है मैंने, तो दोनों साइड आप रख सकते हो। इसके लिए मैंने ये कोरे पट्टी बना ली है इस तरह से। तो अब ये इसमें हम पाइपिंग लगा देंगे तीनों को रख के, तो हम सिलना स्टार्ट करेंगे इसको। गोलाई में आप इसको सिलते जाओगे तीनों को बराबर बिठा के। जहाँ से आपने शुरू किया था वहाँ तक ले जाओगे मशीन इस तरह से चलाते हुए। यहाँ तक लाना है आपको, यहाँ तक। अब यहाँ पे हमने जॉइंट नहीं किया है तो हम यहाँ तक लाके रोक देंगे। इस जगह पे हमारा जॉइंट है, यहाँ पे यहाँ तक हम लाके। अब आपको क्या करना है, जैसे ये काटा था हमने तो यहाँ पे ये पट्टी को इस तरह से ऐसे और निकालना है। यहाँ पे इस तरह चला देते हैं पहले इसको, फिर काट देंगे तो ये बराबर उसके साथ मिल जाएगा पट्टी के साथ। इसको काट देंगे, ये कट गया है, ये कोना काट देंगे इसका। अब यहाँ पे जो थोड़ा सा 19-20 हुआ है सिलने में उसको हम बराबर कर देंगे। अब इसको हम इस तरह से पलटा देंगे ऐसे। इस तरह से टर्न करके पीछे साइड से पाइपिंग सिल देंगे। ये देखिए ये बैठ गया। इस तरह से हम पीछे से इसको पाइपिंग को बिठा देंगे तो इस तरह से ही हमारा तैयार हो जाएगा। अब हम इसको सिलाई लगाना मैं बता रही हूँ आपको, कुछ नहीं करना है इसको, बस फोल्ड करते हुए इस तरह से सिलते जाना है। सीधी साइड से सिलेंगे क्योंकि फिनिशिंग आएगी, सिलाई इधर उधर नहीं जाएगी, तो आप सीधी साइड से सिलाओगे इसको।
पीछे साइड से इसको मोड़ते चले जाओगे इस तरह से, और फ्रंट साइड से सिलते जाओगे। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है ये। आप छोटे छोटे कपड़ों से तैयार कर सकते हो घर में ही, डिफरेंट कलर्स डिफरेंट डिजाइंस लेके आप बच्चे कुचे कपड़े से आप तैयार कर सकते हो। थोड़ा सा रह गया ये बनने वाला है। ये आपका बन गया है, इसको प्रेस कर लेंगे तो ये पूरा बैठ जाएगा। ये आपका रोटी रखने वाला तैयार हो गया। देखिए आप ज़रूर बनाइएगा, पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।